नमस्कार, मैं हूं शमीम अहमद। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नेपाल से तस्करी कर ला रहे कछुओं को कस्टम विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया है। बता दें कि सितारगंज के एक गांव में जब ये सूचना मिली तो कस्टम विभाग द्वारा उनका पीछा गया, लेकिन तस्करों द्वारा एक खेत में को गाड़ी को डाल दिया गया और गाड़ी रेत में खपने से तस्कर गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। कस्टम विभाग के अधिकारी ने बताया कि इनोवा कार से कछुए बरामद किए हैं और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। कछुओं को फॉरेस्ट विभाग को सौंपने की बात की गई है। देखिए सितारगंज से मुजाहिद अली की एक खास रिपोर्ट। सर, आपको कैसे शनाख्त हुई कि इस गाड़ी में यह विदेशी जो है माल जा रहा है? ये हमारे सब इन्फॉर्मर होते हैं जो बताते रहते हैं जी जी कि मतलब जो इसमें क्या क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो वो इन्फॉर्मर झांक कर तो बताएगा नहीं। इन्फॉर्मर ने ये बताया कि इसमें जो है कोई कुछ विदेशी सामान है जी, और विदेशी सामान के बेस पे हम लोगों ने इसको चेज किया और चेज करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। जब उसको देखा गया तो उसमें कछुआ पाया गया जी। तो सर, ये जो लोग स्वयं बताएंगे, क्योंकि डे लाइट की घटना है। अगर बाई देवे के स्कूल के बच्चों की बस ना होती तो कितने बच्चे मरे होते या कितने आदमी मरे होते। ये तो गांव वालों ने भी हेल्प किया, हम लोगों की गाड़ी पीछे लगी तो वो लोग जो है चार आदमी थे, दो तो इधर भाग गए, दो आदमी उस साइड में भाग गए, दो और चारों असलाहधारी थे।